ऑथेंटिकली देसी रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं महाराष्ट्र की फेवरेट डेलिकेसी पुरणपोळी। पुरणपोळी के लिए मुझे चाहिए 2 कटोरी, मैंने लिए चना की दाल। जितनी चना दाल ली है उतनी ही मुझे शक्कर लेनी है। शक्कर की जगह आप आधा गुड़ और आधी शक्कर भी ले सकते हैं, लेकिन शक्कर की जो पुरणपोळी बनती है वो बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। लेकिन गुड़ का स्वाद है तो आप थोड़ा सा गुड़ भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ लिए मैंने इलायची और एक चुटकी मैंने लिए है नमक। नमक से उसका स्वाद बढ़ता है। अभी मैं चना दाल धो के कुकर में इससे 2 गुना से भी ज्यादा पानी डाल के 4 सीटी निकालने वाली हूँ। 4 सीटी निकालने के बाद मेरी दाल अच्छे से गल गई है। अगर दाल गलेगी नहीं तो पूरन अच्छे से नहीं होगा। इसके लिए दाल अच्छे से गलनी चाहिए। अभी इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैं निकाल दे रही हूँ। अभी ये जो पानी हम निकाल रहे हैं उससे ही हम लोग आमटी बनाएंगे। दैट इज ऑल्सो स्पेशल आमटी, उसको बोलते कटाची आमटी। दाल में से पानी निकालने के बाद देखो दाल अच्छे से गल रही है। अभी इसमें जितनी दाल ली थी उतनी ही मुझे शक्कर डालनी है, सेम प्रपोर्शन में। और एकदम थोड़ी क्वांटिटी में नमक डालना है। अभी ये सारा मिक्सचर मुझे अच्छे से पकने देना है। 7 से 8 मिनट लगेंगे मुझे ये अच्छे से पूरन होने में। इस तरह से कुछ ऐसे मिक्सचर दिखता है, लेकिन ये बॉईल होने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा होगा। अगर आपका मिक्सचर अगर गाढ़ा होता नहीं है तो उसमें आप 1 चम्मच आटा डाल सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मेरा जो पूरन है वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है। लेकिन आपको लगता है कि आपका पूरन गाढ़ा नहीं है, इसकी आप रोटी नहीं बना सकते हैं, पोड़ी नहीं बना सकते, तो आप 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा डाल सकते हैं। इससे अच्छे से बाइंडिंग आती है। मेरा आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं गेहूं का आटा दिखा दूं आपको डालकर। ये डालने के बाद एक बस 2 मिनट पकाइए। अभी इसकी कंसिस्टेंसी में जो फर्क हुआ है वो आप यू कैन सी। अभी मेरा पूरन अच्छी तरह से तैयार हो गया। इसे पूरन यंत्र बोलते हैं। ये पूरन या पूरन हमें इस पूरन यंत्र से बारीक करनी है। अगर आपके घर पे पूरन यंत्र नहीं है तो आप फूड प्रोसेसर यूज कर सकते हैं। फूड प्रोसेसर भी नहीं है तो आप मिक्सर में भी पूरन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरन यंत्र में करना है तो गरम गरम ही पूरन आपको बारीक करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसका ग्राइंडिंग शुरू कर दिया। पूरन मैंने पूरन यंत्र से निकाल लिया है, वो अच्छे से पीस गया है। अभी उसके अंदर खाली इलायची पाउडर और जायफल पाउडर, दैट इज नटमेग पाउडर, वो पाउडर डाल के इसको रखा है। लेकिन इसको ढकना नहीं है क्योंकि ये बहुत गर्म है। अभी इसको ठंडा होने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इसको खुला ही रखना है। इसके ऊपर प्लीज इसको कवर मत करो। कवर करोगे तो इसके अंदर का स्टीम है वो उसमें रहेगा और पूरन फिर से ढीला हो जाएगा। इसके लिए इसको अभी ठंडा होने दीजिए। मैंने पूरन यंत्र से निकाल के रखा था, वो जो पूरन ठंडा होने के बाद देखिए आप इतना गाढ़ा हो चुका है। एकदम अच्छे से अभी इसकी रोटी आएगी। इसके अंदर मैंने पाउडर करके 5-6 इलायची और आधा जायफल यानी नटमेग डाला है। कल मैंने ये नहीं दिखाया था, ये डालना जरूरी है। इससे पूरणपोळी का स्वाद जो है वो बहुत अच्छा होता है और वो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अभी हम लोग पूरन के लिए आटा गूंथेंगे। उसके लिए मैंने आटा लिया है, ये छान के लिया है क्योंकि मुझे फाइन आटा चाहिए। मैंने मैदा ऐड नहीं किया है। आपका अगर आटा फाइन नहीं है तो 1 चम्मच आप कॉर्न फ्लावर डाल सकते हैं, लेकिन आटे से भी बहुत अच्छी रोटी आती है। मैदे से भी आटे की रोटी जो होती है वो अच्छी लगती है। उसके अंदर नमक डालना बहुत जरूरी है। उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालो तो ही रोटियां अच्छी आएगी। फिर उसके साथ मैंने तेल का बॉइंट डाला है, 1 चम्मच तेल डाला है। आप घी का भी डाल सकते हो, लेकिन तेल
कि जो रोटी आती है वो ठंडी होने के बाद भी फिर नरम ही रहेगी, एक दो दिन तक आपकी लास्ट होगी। अभी ये जो आटा है इसके अंदर मैंने नमक और तेल डाल के रखा है, वो गून के रखूंगी, आधे घंटे के बाद हम लोग बनाएंगे इसकी पूरन पोली। नॉर्मल रोटी से थोड़ा ढीला आटा चाहिए। अभी ये आटा गूंदने के बाद आधा घंटा इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। अभी थोड़ा सा गूंदा आटा लेना है, इतना सा। ये जो स्टेप होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इसको हाथ से ही ऐसा बना लो, बीच वाला पार्ट जो है वो अंदर जाना चाहिए अच्छे से। इसके बाद इतना बड़ा मैंने पूरन का गोला लिया है, थोड़ा सा हाथ को राय आटा लगा लीजिए, पूरन को अच्छे से अंदर दबाते वक्त उसे आटे से कवर कर लेना है। इस तरह से तैयार हो गया। उसके बाद में अच्छे से आटे में उसको डस्ट करके हल्के हाथ से बेलना है। आप देख सकते हैं मैंने पूरन में नहीं तो हल्दी डाली है, नहीं तो कुछ कलर डाला है, फिर भी उसका एक कलर एक जो आया है वो बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। इसके बाद आप देख रहे हैं मैंने आटा जो यूज किया है जो कवर करने के लिए वो भी बहुत कम यूज किया है। यू कैन सी उसके अंदर से पूरन दिख रहा है। अगर इतना ज्यादा पूरन भरेंगे तो जो हमारी जो पूरन पोली जो होगी वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। तवा जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसके बाद गैस की आंच जो है वो कम कर देनी है। इसके लिए आप नॉनस्टिक यूज कर सकते हैं या फिर लोहे का तवा भी यूज कर सकते हैं। हल्के हाथ से रोटी को इसके ऊपर डाल दीजिए। आप जो गैस की जो फ्लेम है वो कम ही होनी चाहिए। और एक इसका और एक दूसरा मेथड होता है वो भी मैं दिखाती हूँ। दो तरीके से मैं आपको आज दिखाऊंगी। अगर आपको इस तरह से आटा ये पूरन पूरी बनाने को नहीं हो रही है, पहले हम लोग ये सेक लेते हैं, उसको कवरिंग के लिए जो आटा यूज किया है वो बहुत कम है, इसके लिए वो पकेगी बहुत जल्दी। आप इसके साथ भी ऐसा उसको पलट सकते हैं, लेकिन देखो इस तरह से भी आप पलट सकते हो। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पक गई है। रोटी मस्त पक गई है। अभी इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। घी बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा लगाएंगे तो ठंडी होने के बाद वो जो घी है वो जम जाता है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा ही घी लगाएंगे। इसके बाद इसको इस तरह से उसको निकाल लेंगे और फिर से उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। अपनी पहली रोटी तैयार हो चुकी है। अभी अगर आपको इस तरह से पूरन भरने को नहीं होता है तो मैं अलग तरीका दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो इतना सा ही फिर से मैंने आटा लिया है
इसको लंबा इस तरह से आप बेल लीजिए। उसके बाद पूरन का आप जितना भरना चाहे पूरन उतना भरेंगे, मुझे बहुत ज्यादा पूरन उसमें पसंद है इसके लिए हम लोग ज्यादा भरते। इसको इस तरह से रखिए और ये जो आटा है, ये जो रोटी है उससे इसको कवर कर लीजिए इस तरह से। इसके बाद एक कटोरी लीजिए और वो कटोरी से इस तरह से एक्स्ट्रा जो आटा था उसको कट कर दीजिए। अभी अगर कहीं से दिख रहा है पूरन बाहर आ रहा है तो उसको भी आप अच्छी तरह से दबा लीजिए, इसको इस तरह से प्रेस कीजिए। देखो ये तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है, जो पहली बार बना रहे हैं वो ये तरीके से आसानी से पूरन पोड़ी बना सकते हैं। इसको भी हल्के हाथ से ही बेलना है क्योंकि हमारी जो रोटी जो आटा गूंदा हुआ आटा है वो भी पतला है, पूरन भी एकदम अच्छे से बना है। तो देखो इस तरह से ये तो काफी बड़ी रोटी बन गई। रोटी को वो साइड से अच्छे से पकने दीजिए। ये होने के बाद रोटी को इस तरह से पलट दीजिए। रोटी अच्छे से सिक गई है। अभी इसके ऊपर फिर से मैं घी लगाती हूँ। आप चाहे तो थोड़ा भी इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। गरम गरम खा रहे हैं तो आप इसी तरह से घी बहुत सारा घी डाल के रोटी खा सकते हैं, लेकिन घी डालने के बाद फिर उसको हाथ मत लगाइए नहीं तो हाथ को तैयार है। पूरन पोड़ी तैयार है, आप देख सकते हैं उसके अंदर से पूरन भी अच्छे से दिख रहा है, यानी इतनी पतली पूरन पोड़ी बन चुकी है। ये बहुत ही नरम है और बहुत ही अच्छी है, दो तीन दिन तक टिक सकती है। ये घी के साथ खाइए पूरन पोड़ी।